और कोई आश्चर्य की बात मत कीजिएगा, अभी मेरा चार्जशीट में नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट कर दे और उसमें मेरा भी नाम जोड़ दे, तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूँ रचा शर्मा। क्या बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जेल जाने का डर सता रहा है? शुक्रवार को खुद तेजस्वी यादव के बयान से यही डर झलका। तेजस्वी ने कहा कि लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई और ईडी उन्हें फंसा सकती है, इस केस में एक और चार्जशीट दायर कर उन्हें फंसाया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि तेजस्वी यादव को सीबीआई और ईडी की कार्रवाई का अंदाजा हो गया है। दरअसल दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में एक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का आलिशान बंगला तेजस्वी के लिए मुसीबत बन सकता है। आरोप लगा है कि तेजस्वी यादव सिर्फ 4 लाख रुपए खर्च कर 150 करोड़ की ये आलिशान कोठी के मालिक बन गए। और कोई आश्चर्य की बात मत कीजिएगा, अभी मेरा चार्जशीट में नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट कर दे और उसमें मेरा भी नाम जोड़ दे, तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले भी लोग किया है तो क्या हुआ है, तो जनता सब देख रही है, जान रही है और कोई फर्क नहीं पड़ता। सांच को आंच किस बात की भाई? अच्छा, आपको एक बात पता है, कितने बार रेड पड़ा, कितने इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने रेड मारा, कितनी बार, उसका आंकड़ा है आप लोगों के पास? वो जांच एजेंसी को भी नहीं पता होगा कि कितने बार रेड मारा, कितने बार समन किया और कितने बार केस क्लोज करके फिर ओपन कर दिया, ये भी डेटा उनके पास नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, इतनी बार किया है, कितना बार अभी से चल रहा है सब। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब घोटाला तब का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप ये भी है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के रेलवे में नौकरियां बांट दी। बड़े पैमाने पर वैसे लोगों को नौकरी दी गई जिन्होंने लालू परिवार के नाम पर अपनी कीमती जमीन रजिस्ट्री करा दी। सीबीआई के मुताबिक रेलवे में भर्ती के लिए विज्ञापन या फिर कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, फिर भी जो पटना के निवासी थे उन्हें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में स्थित विभिन्न जोनल रेलवे नौकरी दे दी गई। सीबीआई के मुताबिक जिन्हें नौकरी दी गई उनके जरिए लालू परिवार ने पटना में 1,05,292 वर्ग फीट जमीन अपने नाम रजिस्ट्री कराई। सीबीआई इस मामले में पहले ही लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है और अब तेजस्वी ये अंदेशा जता रहे हैं कि उनके खिलाफ भी चार्जशीट दायर की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी की मंशा यही है।